नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आवश्यक सूचना, हमारे यूट्यूब चैनल पे गिव अवे चल रहा है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। लास्ट में एक सवाल आएगा जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं सरप्राइज गिफ्ट विनर। सरप्राइज गिफ्ट आपको मिलेगा हर सोमवार को, क्योंकि हमारे चैनल पे वीकली गिव अवे चलता है। दोस्तों कैसे हो, फाइनली हम आ गए एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की, वो बहुत ही खास है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की, वो आई है शिक्षा विभाग से, यानी कि एडुकेशन डिपार्टमेंट से, और यहाँ पर 4000 शिक्षक की भर्ती आई हुई है। इसके लिए 10वीं पास, 12वीं पास व ग्रेजुएट पीजी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड सीटेट की डिग्री नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए पोस्ट है। इसके लिए सैलरी आपको मिलती है 46,500 रुपीस तक। मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पूरे भारत से ऑल इंडिया जॉब है। आप चाहे किसी भी स्टेट में रहते हो, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, और इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है 25 नवंबर 2019। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, चलिए जानते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और इसके कंप्लीट वैकेंसी डिटेल। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वैकेंसीज लेकर आएँ। चलिए जानते हैं इसके कम्प्लीट डिटेल। दोस्तों कैसे हो, फाइनली हम आ गए अपनी वेबसाइट पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 4055 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के पोस्ट हैं। यहाँ पर रिक्रूटिंग बॉडी क्या है, तो रिक्रूटिंग बॉडी है डिजिटल शिक्षा और रोजगार विकास संस्थान इंडिया, यानी कि DSRVS। अप्लीकेशन मोड यहाँ पर ऑनलाइन है, इसका मतलब है कि आपको इसका फॉर्म इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फिलअप करना होगा। अप्लाई करने का डेट है 7 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में। जॉब लोकेशन रहेगी पूरे भारत में। अप्लाई कर सकता है तो ऑल इंडिया से उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके वैकेंसी डिटेल की, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर टीचर के लिए 326 पोस्ट हैं, हिस्ट्री टीचर के लिए 437 पोस्ट हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टीचर के लिए 138 पोस्ट हैं, ज्योग्राफी टीचर के लिए 716 पोस्ट हैं, इंग्लिश टीचर के लिए 297 पोस्ट हैं। और इनके लिए सैलरी आपको मिलती है 20,600 रुपये से लेकर 46,500 रुपये पर मंथ। वहीं नॉन टीचिंग कैडर के लिए टेक्निकल असिस्टेंट से 406 पोस्ट हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए 1223 पोस्ट हैं, प्रोग्रामर के लिए 67 पोस्ट हैं, व सब स्टाफ पियोन के लिए 445 पोस्ट हैं। टेक्निकल असिस्टेंट व जूनियर असिस्टेंट के लिए सैलरी मिलती है 12,600 रुपये से लेकर 32,500 रुपये पर मंथ। प्रोग्रामर को सैलरी मिलती है 20,600 रुपये से लेकर 46,500 रुपये पर मंथ। वहीं पियोन को सैलरी मिलती है 9,600 रुपये से लेकर 27,500 रुपये पर मंथ। यहाँ पर आयु सीमा है मैक्सिमम 30 साल, और आयु में छूट दी गई है SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आज एक गिव अवे क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा मेटल है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं सोडियम, गोल्ड, अर्जेंटियम या फिर फेरस। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आप बन सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट विनर। साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और दोस्तों अगर आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जॉब अलर्ट चाहिए, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट में। अगर हम बात करें इसके एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इस वैकेंसी के लिए कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई करेंगे BE BTEC वाले, कंप्यूटर साइंस IT वाले, या फिर BE BTEC एनी स्ट्रीम प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस वाले, या फिर MSc कंप्यूटर साइंस IT वाले, MCA वाले, या फिर BSc कंप्यूटर साइंस वाले, BCA वाले एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन वाले, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस IT वाले एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट वाले। साथ ही आपको 50% मार्क्स होना चाहिए सब में। हिस्ट्री टीचर के लिए अप्लाई करेंगे BEd वाले, साथ ही PG डिग्री होना चाहिए हिस्ट्री में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टीचर के लिए अप्लाई करेंगे BEd वाले, साथ ही PG डिग्री होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ज्योग्राफी टीचर के लिए अप्लाई करेंगे BEd वाले, साथ ही PG डिग्री होना चाहिए ज्योग्राफी में। इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करेंगे BEd वाले, साथ ही PG डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे 12वीं पास, साथ ही कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे 12वीं पास। प्रोग्रामर के लिए अप्लाई करेंगे BE BTEC वाले, कंप्यूटर साइंस IT वाले, 50% मार्क्स होना चाहिए, बाकी डिटेल आप देख लीजिए। पियोन के लिए अप्लाई करेंगे 10वीं पास। सिलेक्शन यहाँ पर बेस्ड है रिटर्न एग्जाम पर, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और एप्लीकेशन फीस है जनरल OBC के लिए 800 रुपये, SC ST के लिए 500 रुपये, पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए 500 रुपये। दोस्तों इस वैकेंसी को अप्लाई करने का लिंक आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुझे इस वैकेंसी पे डाउट है कि ये फेक हो सकती है, तो आप अपने रिस्क पर इसे चेक करके ही अप्लाई करें। वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।